ऑल दोज जो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, DU LLB, MHZ, BHU, ये एग्जामिनेशंस हमको ऑलरेडी पता है. व्हेन वी स्पीक ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, सिम्बाइसिस कम्स आउट टू बी अ गुड ऑप्शन, जो AIIT का एग्जाम कंडक्ट कराता है. अब इसी के बारे में बात करने के लिए आई हैव कम आउट विद दिस वीडियो टुडे, एंड आई हैव विद मी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तरनजीत सिंह, हु इज हियर विद अस, एंड ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिज प्रेपरेशन. उन्होंने कैसे तैयारी करी, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, उनसे डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए. हाय तरनजीत, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. हाय मैम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। या वेलकम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तरनजीत, टेल अस अबाउट योर सेल्फ. We know that you're already in Symbiosis at present. So let us understand something about you. ओके मैम, सो मैम आई हैड डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बीकॉम स्ट्रीम। देन आई टेकन एडमिशन इन 2021 बैच लास्ट ईयर इन एलएलबी कोर्स। हाँ, अच्छा, 21 में आपका एडमिशन हुआ है, एंड प्रेजेंटली आप Symbiosis में ही अपना यस कोर्स मैम, कर रहे हो, एंड यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. उसके बाद यस आपने ये, मैम, मैं कॉमर्स में। यस मैम, अच्छा ठीक है. सो आई बिलीव कि आपने भी सभी स्टूडेंट्स की तरह बहुत सारे 3 ईयर लॉ एग्जाम्स की तैयारी करी होगी, एंड आपने भी यस काफी मैम, फॉर्म्स भरे होंगे. व्हाट यस ऑल मैम। एग्जाम्स वर यू प्रिपेयरिंग फॉर? मैं मैंने DU LLB का एंड सिबाइसिस का ही भरा था फॉर्म, अच्छा, ये दोनों ही. एंड या सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ दीज एग्जाम्स। सो जैसे हम समझ रहे हैं, सिम्बाइसिस का जो एंट्रेंस है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ईयर लॉ एग्जामिनेशंस. DU, MHZ, इन सबका पैटर्न बहुत सेम टाइप है. बट जब हम सिम्बाइसिस की बात कर रहे हैं, इफ आई लुक ऑन द वेबसाइट, द काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज देयर, इट्स वेरी डिफरेंट. एक बार हम पैटर्न रन थ्रू कर लेते हैं, सो दैट द व्यूअर्स आर बेटर अवेयर कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी है. राइटिंग सैंपल, जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर इज राइटिंग सैंपल, जहां पे आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के. एंड एज आई सी फ्रॉम हियर, द टॉपिक्स दैट आर देयर आर सोशल लीगल, पॉलिटिकल लीगल, करंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो आपके टाइम में तरनजीत, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? ये सेम क्वेश्चंस आए थे, और इन एरियाज में से क्वेश्चंस आए थे, तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो जो 65 मिनट्स हमें मिलते हैं दो क्वेश्चंस करने के लिए, और मेरे समय में जो क्वेश्चंस आए थे वो एक क्वेश्चन था कि राइट टू स्पीच पे, जिसमें बोला गया था कि राइट ऑफ स्पीच ऑफ द कॉमेडियंस इन द कंट्री, तो उसपे हमें अपने व्यूज रखने थे। और जो सेकंड क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग द राइट राइट टू गुड हेल्थ दैट इज इनकम्पास इन द राइट टू लाइफ, तो उसपे हमें अपने व्यूज रखने थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसमें अपने उसे निगेट भी कर सकते हो, दैट इज कि आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हो और आप उसके पॉजिटिव थिंग्स भी रख सकते हो। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि वेन यू आर सेइंग समथिंग क्रिटिकल, तो आपको अपनी चीजें निगेट नहीं करनी। आपको ये नहीं कहना कि हाँ वो चीज अच्छी भी है और वो चीज बुरी भी है। व्हेन यू आर सेइंग दैट कि समथिंग इज बैड एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, तो आपको थ्रू आउट वही चीज बोलनी है उसमें, क्योंकि ज्यादा आपको वर्ड लिमिट नहीं होती है उसमें। तो आपको ये अपने व्यूज उसमें रखने हैं, और जो भी आप व्यूज रख रहे हो वो लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड जो भी आपने सेक्शंस और लैंडमार्क केसेस पढ़ रखे हैं, आपको उससे सपोर्ट करना है अपने आंसर्स को। सो दिस विल हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव योर आंसर्स क्वालिटी एंड एज वेल एज टू यू नो कम्पीट योर आंसर्स विद अदर्स आंसर्स दैट अदर्स आर गिविंग। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी, और ये ही मेन सेक्शन है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं तो वो तो हर बच्चा नेक्स्ट पार्ट प्रिपेयर जो कर वो रहा ये है। है, नेक्स्ट पैटर्न में अगर जो पार्ट में बोलूं तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है नेक्स्ट, जहां पे 10 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के. अब ये क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं? ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी बेस्ड ऑन द सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल बैकग्राउंड। तो अगर जो बच्चे DU LLB एंड MSCT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनका ये पार्ट बड़ा स्ट्रांग होता है, और 10 क्वेश्चंस खाली आ रहे हैं, तो अगर आप उसमें 7-8 क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो और उसे आप तो अटेम्प्ट सही कर लेते हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो अगर क्वेश्चंस आ आप कहाँ से रहे हैं?
तो ये क्वेश्चंस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आप मैंने आपका मैं मॉड्यूल लिया था तो उसमें मॉड्यूल में जितने भी मेरे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए थे तो वो उसी मॉड्यूल से कवर थे। तो मैंने बेसिकली मोस्ट यू सेइंग कि तीन करंट अफेयर्स एंड लीगल करंट अफेयर्स ये दो एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव पार्ट, राइट। यस मूविंग फॉरवर्ड इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में जैसे हम वेबसाइट पे देखेंगे, इंटरव्यू हमारा 30 मार्क्स का है। फर्दर दे आर चेकिंग यू ऑन एट्रीब्यूट्स कि आपके फिजिकल एट्रीब्यूट क्या हैं, आप कितने फिट हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछ रहे हैं, LOI पूछ रहे हैं, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट लीगल इश्यूज, करंट इश्यूज, ये सब चीजें चेक हो रही है। तो आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैम, मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड थे क्योंकि वो फोकस आप पे इस पे कर रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स और जो आपके आसपास हो रहा है, आप हाउ मच यू आर फोकस ऑन दैट एंड हाउ मच यू नो एंड अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड यू। तो मेरे से जो मेन क्वेश्चंस था वो डबल जेपार्टी पे था, तो दे आस्क्ड मी कि आप डबल जेपार्टी के बारे में बताइए। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो था वो थ्री फार्म लॉस पे था, तो जो मैंने आपके फार्म लॉस पे एक मॉड्यूल आपने बनाया था तो वो मैंने उसे सब्सक्राइब किया हुआ था, आई बाइट दैट। तो मैंने उसमें से बस उनको ये एक्सप्लेन कर दिया कि वो थ्री फार्म लॉस के नेम्स क्या हैं और थ्री फार्म लॉस क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बस पता होना चाहिए कि वो चीजें जो वो पूछ रहे हैं, और अगर व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट तो जस्ट से दैट सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो दे विल आस्क अनदर क्वेश्चंस बिकॉज द क्वेश्चन इज आर नॉट ए प्रॉब्लम टू देम, दे हैव सो दैट। बेसिकली इंटरव्यू में हम ये समझ रहे हैं कि टॉपिक्स आपके बहुत वास्ट हैं, आपको लीगल भी, जैसे डबल जेपर्डी लीगल पार्ट से पूछ लिया आपको, एंड करंट अफेयर्स में फार्म लॉज आ गए, तो ये दोनों एरिया से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो अ पर्सन हैज टू बी अवेयर ऑफ बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। तरनजीत, पैटर्न हमने कवर कर लिया है, लेट अस अंडरस्टैंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन की, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री एरियाज, राइटिंग, सैंपल, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरव्यू। तो मेरी स्ट्रेटजी जो थी, मुझे ये था कि मैं DOLLB का सिलेबस अच्छे से कवर कर लूं क्योंकि मैंने इसका जो सिलेबस देखा था वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बस उसी का पार्ट ही आता है इसमें, तो आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट अगर आप मॉड्यूल अच्छे से पढ़ रहे हो अपने, और आप जैसे मैंने आपके वीडियोस देखता रहता था जो पर वीक करंट अफेयर्स आते हैं, और एक कंपेडियम है जिसमें जज लैंडमार्क केसेस के ऊपर है आपका, तो वो मैंने लिए थे जो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर वेबसाइट। तो जो ये सेक्शंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली कवर ऑल दिस थ्री पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड द इंटरव्यू। मैं मॉड्यूल्स और न्यूज़पेपर रोज पढ़ा करता था तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज आती थी मैं उस पर फोकस करता था और उसको फॉलो अप करता था एवरीडे न्यूज़पेपर्स में, और बाकी जो भी लैंडमार्क केसेस थे और जो भी सिनेरियोज आसपास हो रहा था उसे मैंने इंटरलिंक किया सो दैट मेरे जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो इम्प्रूव हो सके। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी। बेसिकली ट्राइंग टू से कि आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, मैगजीन्स पढ़ी हैं, एंड साथ में आपने मॉड्यूल, क्योंकि आप DOLLB के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है करेंट लीगल करेंट, वो यूज करके आपने अपने राइटिंग सैंपल्स में ऐड किया, राइट। मूविंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या किया, जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो ऑब्जेक्टिव के लिए मैम मैंने जितने भी मॉड्यूल्स आपके लिए थे जो सब्सक्राइब किए हुए थे और जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था वो उससे कवर हो गए, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर नॉट दैट हार्ड, वो इजी आते हैं, बस आपने अच्छे से अपने करंट अफेयर्स रिवाइज किए होने चाहिए, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, कि आपका करंट अफेयर्स कितना अच्छे से हुआ हुआ है। यस सो ठीक है, स्ट्रेटजी में फर्दर लेट्स मूव ऑन टू इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपने करी? ओके सो आई वाज पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज इन माय कॉलेज, तो मेरी स्पीकिंग स्किल सही थी सो आई
मैंने अपने व्यूज जो थे वो क्लियर एंड क्रिस्प उस पे रखे, जो भी वो लोग पूछ रहे थे, जो मेरे को चीजें नहीं आ रही थी, जस्ट आई सेड कि सर आई एम सॉरी एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो बाकी फिर वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप जो भी अपनी पॉइंट्स रख रहे हो आप निगेट ना कीजिए। अगर व्हेन यू आर सेइंग कि फार्म लॉज आर नॉट गुड, तो आप शुरू से लेकर एंड तक यही बोलिए कि जस्ट गिव द डिटेल्स दैट व्हाई दे आर नॉट गुड। सो एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग सो डोंट टेल द लाई दैट आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो दे वर जस्ट जजिंग यू ऑन योर स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स दैट दे हैव मेंशन कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन में देयर जैसे वेबसाइट। और या कॉन्फिडेंस या किस तरह से आपका है इंटरव्यू में, ये चीजें आई इन द ये चीज इंटरव्यू, करते या हैं। सो इन द जैसा कि हम इंटरव्यू डिस्कस दे आर नॉट in the interview they are not just judging you on the your knowledge, because they have already judged you on your knowledge in the through AIIT, the टेस्ट, but in the करेक्ट। interview so they are just judging your communication skills and your other things। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, जैसा कि उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको कितनी अवेयरनेस है वर्ल्ड में जो चल रहा है उसके बारे में, ये सब चीजें। ठीक है, यस मैम। देन मूविंग फॉरवर्ड, एक तो आई वुड से कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इट इज बेसिकली अ टेस्ट जहाँ पे आपके फिजिकल ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब चीजें चेक होती हैं। तो इसमें बेसिकली यू दे गिव यू ऑप्शंस, आपको ओपिनियन वो जानते हैं उसके थ्रू। तो इट्स वेरी इजी, जस्ट सी ऑनलाइन यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू LOR एंड SOPs, बिकॉज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इन एरियाज में, ये दोनों चीजें LOR SOP ये लोग मानते हैं। अब व्हाट यू हैव टू से अबाउट देम कि इसमें SOP आपको कैसे लिखना है, LOR में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो LOR हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है, तो यू नीड टू जस्ट गो टू योर कॉलेज एंड आप वहां पे पूछ सकते हो कि वहां पे क्या क्राइटेरिया है। एंड यू कैन अप्लाई एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, बिकॉज कि आप आराम से अपना LOR अपलोड कर सको एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड फॉर द SOP यू नीड टू जस्ट मेंशन कि आप क्यों कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो एंड व्हाई यू आर बेनिफिशियल फॉर द कॉलेज एज वेल एज फॉर योर कंट्री एंड सोसाइटी एंड व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग टू द सोसाइटी। सो अगर आप ये क्रिस्प क्रिस्प एंड गुड मैनर में आप ये चीजें 250 वर्ड्स में मेंशन करते हो, सो दैट विल बी ए गुड SOP। ठीक है। फर्दर आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। सो फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कोई फाइनल टिप आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, या टू व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी, किस तरह से प्रिपरेशन उन्हें रखनी है अपनी, एनीथिंग दैट यू वुड फर्दर वांट टू ऐड ऑन। सो मैंने जो ये ऑब्जर्व किया कि DU LLB और सिम्बायसिस के ये पैटर्न में फर्क है कि DU LLB इज मोर फोकस्ड ऑन योर नॉलेज, बट जो SLS पुणे जो हमसे जानना चाह रहा है दे आर मोर फोकसिंग ऑन दैट हाउ यू रिलेट योर करंट अफेयर्स एंड योर लीगल नॉलेज। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, लाइक कि जो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं एंड देयर इज अ टॉपिक गोइंग ऑन कि वन नेशन वन इलेक्शन। सो आपको अपनी नॉलेज को, लीगल नॉलेज जो आपने DU LLB की तैयारी के लिए भरी है, वो आप उससे जब कनेक्ट कर करेंटली पाएंगे रिलेटेड। सो दैट योर आंसर्स विल बी मोर गुड एंड यू नो कम गुड करेक्ट। as compared to other students। थैंक यू सो मच तरनजीत फॉर बीइंग विद अस, फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। एंड इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सेम फ्रॉम मी मैम, थैंक्स अ लॉट। सो आपने देखा कि तरनजीत की जो भी स्ट्रेटेजी रही है उसमें बेसिकली उन्होंने यही चीजें हाईलाइट करी हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, यू हैव टू बी रेगुलर विद करंट अफेयर्स, देन साथ साथ जो लीगल नॉलेज आपको अटेन हो रही है, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, दिस मीन्स दैट आपको थोड़ी लीगल बेसिक्स पता होने चाहिए, एंड यू हैव टू रिलेट दोज बेसिक्स विद योर करंट अफेयर्स। वो दोनों चीजें कंबाइन करके ही आपको अपने आंसर्स राइट करने हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर हम
बात करें करंट अफेयर्स इज ऑलरेडी देयर, सो करंट अफेयर्स यू आर ऑलरेडी डूइंग. इंटरव्यू में भी अगेन आपका करंट अफेयर्स, लीगल, यही चीजें पूछी जा रही हैं. ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद. आपको अपना सीवी अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी आपने लाइफ में किया है वो सब चीजें आपको जॉट डाउन करके रखनी है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. साथ साथ एसओपी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि किस तरह से आप कॉलेज को बेनिफिट कर सकते हैं, कॉलेज आपको क्या बेनिफिट दे सकता है, ना आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं. ये बेसिक चीजें हमने समझी इस इंटरव्यू से, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आई होगी अब कि बिकॉज AIIT पे IC की गाइडेंस थोड़ा कम है, बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है. सो आई थॉट ऑफ कमिंग आउट विद दिस सेशन, एंड जस्ट इन केस आपको कोई फर्दर डाउट और क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई और तरनजीत विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इंस्टाग्राम पे हमको जरूर फॉलो करें फॉर लीगल करंट, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इमीडिएट नोटिफिकेशंस. थैंक यू तरनजीत फॉर बीइंग विद अस. थैंक्स अ लॉट. All right.